नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुकिंग गली में। आज फादर्स डे है। वैसे तो पिता का कोई दिन नहीं होता है, पिता से ही दिन का शुरुआत होता है। पिता वैसे इंसान होते हैं जिनके दिमाग में ढेरों परेशानी, ढेरों टेंशन होता है, लेकिन उनके दिल में हमेशा अपने बच्चे और परिवार का फिक्र होता है। पापा, आपने हमेशा मेरा हर शौक पूरा किया है। जब भी मैं डिमोटिवेट महसूस करती हूँ तो हमेशा आप मोटिवेट करते हो कि नहीं बेटा, तुमसे ये होगा, तुमको करना है, तुम कर सकती हो। थैंक यू पापा इतनी मोरल सपोर्ट के लिए। आज इस अवसर पर मैं आपके खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हूँ पापा। हैप्पी फादर्स डे पापा, लव यू पापा। आज मैं आपका फेवरेट मखाने का खीर बना रही हूँ पापा। आइए मखाने का खीर बनाते हैं। मखाना का खीर बनाने के लिए मैंने 1 कप मखाना लिया है, कुछ काजू लिया है, कुछ किशमिश, इलायची पाउडर, बादाम, 5 से 6 चम्मच घी लिया है जिसमें हम मखाने को रोस्ट करेंगे, 5 से 6 चम्मच ब्राउन शुगर है और 1 गिलास दूध लिया है। आइए हम मखाना का खीर बनाते हैं। हम अपने गैस को ऑन कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी कड़क जाएगा तो हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके पहले निकाल लेंगे। घी हमारा गरम हो गया है, आइए अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। हल्का रोस्ट करके हम अपने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे। हो जाएगा तब हम इसमें अपने मखाने को भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे खाने को भूनेंगे। हल्का हल्का भूरा होना शुरू हो गया हमारा मखाना। आइए एक हम चेक करते हैं कि बढ़िया से टूट रहा है, इसका मतलब हमारा मखाना भुन गया है। आइए हम अपने फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसमें से आधे मखाने को हम बॉल में निकाल करके हल्का सा इसे ग्राइंड कर लेंगे एक बार, और कुछ को ऐसे ही रहने देंगे। इतने से मखाने को मिक्सी में हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो दूध में मिलाएंगे तो उसका कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया लगेगा खाने में। इतने को रहने देंगे। ये देखिए, हम अपने कुछ मखाने को हल्का सा एक बार ग्राइंड कर लिए हैं। इसमें इसे दूध में मिलाएंगे तो बढ़िया टेक्सचर बनेगा खीर का। आइए हम इसमें अब दूध डालते हैं। जो हमारा ग्राइंड किया हुआ मखाना का पार्ट है वो हम इसमें मिला देंगे और जो हमारा मखाना था रोस्ट किया हुआ उसे मिला देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। जो हमारा ये केसर मिक्स दूध है वो भी मिला देंगे, इससे बढ़िया कलर आएगा। हम चीनी मतलब अपना ब्राउन शुगर हम मिला देंगे। टी पाउडर हम मिला देंगे
रोस्ट किया था उसे मिला देंगे। बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी है हमारे मखाने का खीर का, आप देख सकते हैं, न बहुत ही गाढ़ा है न बहुत ही पतला। मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए हमारे मखाने का खीर तैयार है बनके। आइए इसे सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं। मैंने मखाना का खीर बना लिया है, मैं तो चली इसे खाने अपने पापा के साथ। आप भी बनाइए, आप भी अपने पापा के साथ खाइए। आज फादर्स डे को बढ़िया से सेलिब्रेट कीजिए। फिर मिलेंगे कुकिंग गली में। नमस्ते, बाय बाय।